अरे लड़ा नहीं हूँ, हम जीत के आया हूँ, जीत के। अरे तुम लोग जीते है? अरे हम लोग का शेर। क्या बात है। लेकिन मेरे ख्याल में शायद वो हमारे क्लब के लिए ना करे। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि लियारी के लोग, बल्कि हर छोटे इलाके के लोग अपने इलाके को प्रमोट करते हैं। असल में तुमसे कुछ बात करना था। जल्दी बोलो, क्या बात है? अब हम सिर्फ तुम्हारा नहीं, एक दिन पूरे इलाके का नाम रोशन करूंगा। हाँ, वो तो हमको नजर आ रहा है कितना नाम रोशन करेगा। सारा दिन फुटबॉल खेलता है, नाम रोशन करेगा। क्या उनके अंदर का खराबी है या बाहर के माहौल का? खराबी उनका परवरिश का है, इनका घर वालों का तरबियत का है। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो उसको क्या मालूम बाहर क्या हो रहा है, उसको क्या सीखना है। नादिर भाई से बदतमीजी कर रहा तू? बदतमीजी तुम कर रहे है? अरे हम जो चाहे कर सकता है, हम नादिर भाई है, तुम जानता नहीं है, पूरा लियारी डरता हमसे। देख, अगर तू ये मुकाबला जीत जाता है ना, तो मैं क्लब में तेरी नौकरी करवा दूंगा। क्या कुछ? लेकिन तुझे भी बच्चे लोग लाने पड़ेंगे, क्योंकि लियारी में बच्चों का खेल तालीम मच्छी पकड़ना है ना। तुमको मालूम है तुम इलाके का पहला लड़की डॉक्टर होगा? आखिरी तो नहीं होगा ना? अरे हम भी यही चाहते हैं कि आखिरी ना हो, हर घर का लड़की पढ़कर कुछ बन जाए। अरे इलाका की महरूमिया इलाका मकीनों के फैसलों से तो दूर होती है। हमको अंदाजा है तुम हमें डॉक्टर बनाने के लिए बड़ा मेहनत कर रहा है। हम भी मेहनत कर रहा है, हमारा भी मेहनत रंग लाएगा। हमको एक बात का तो यकीन है, हम सब का सब मिलके एक ना एक दिन इस लियारी का नक्शा बदल देगा। नौशीन, तुम आज कॉलेज जाते वक्त नादिर से मिला था? मिला तो था। क्या बोल रहा था वो? पता नहीं क्यों उसको हमसे हमदर्दी हो गया। बोलते हैं हम तुम्हारे आने जाने के वास्ते तुम्हारे लिए गाड़ी लगा के देवे। हमने बोला कि तुम गाड़ी वाड़ी को छोड़ो, तुम लियारी के लोगों के लिए पानी का फिल्टर लगा दो। फिर क्या बोला वो? फिर क्या करता, इतने में पैसा ला गया। अरे उसको देखते साथ तो उसकी सिट्टी गुम, ऐसे भागा वो वहां से। तुमको मालूम है ना वो कोई अच्छा आदमी नहीं है, इसीलिए तो उसको अच्छा काम बोला। आप ही तो कहते हैं कि अच्छा बिहेव करने से बुरा लोग ठीक हो जाता है। अच्छा किया तुमने, पर अगर दादा कोई बात बात करे ना तुमसे, तो हमको बताना, हम उसको अपने तरीके से देख लेगा। अरे ऐसा कोई बात नहीं था, हमने बोला आप काम कम है परेशान होगा, हम क्यों बतावे। अरे हम परेशान थोड़ी होता है, बस मसले का हल निकालता है। अरे ऐसा कुछ नहीं था, हमने जब तुमको नहीं बताया था तो पैसल को भी नहीं बताना चाहिए था। सही बोलता है, ये लड़का लोग का दोस्त ना चुगलखोर होता है। अरे वो भी परेशान था बेचारा, इसलिए उसने हमको बता दिया। चाहता तो वो भी नज़रअंदाज कर सकता था, अगर नादिर कोई ऐसा वैसा बात करता ना तुमसे, तो मुंह तोड़ देता वो उसका। प्यार भी तो बहुत करता है। आप सर? अच्छा तुम पढ़ो, हम तुम्हारे लिए चाय लेके आते हैं। हेलो, जिस बॉक्सर की वीडियो भेजी थी तुमने? हाँ हाँ, मैं एक्चुअली उससे मिलना चाह रही हूँ। काम करते हैं, उसे ऑफिस बुला लेते हैं। हाँ बुला लो। ओके।
शकीला, अरे शकीला कितना टाइम लगेगा? अरे इतना देर में तो पूरा लियारी का नाश्ता बन जाएगा। अरे अभी सबर करो थोड़ा, हाँ सबर नहीं होता तुमसे क्या? अभी ला रहे, इतना जल्दी में काहे को रहते? हाँ ठीक है ठीक है। अम्मा अब इसके शादी के बारे में सोचो, हमको इसका घर में रहना पसंद नहीं है। अच्छा, हमको भी तुम्हारा शक्ल घर में पसंद नहीं है, तो तुम क्या घर आना छोड़ देंगे? अरे अम्मा वो लड़की लोग है, अन्ना शादी बनता है। वो भी हमारा बच्चा है जैसा तुम है, अभी लड़की है तो क्या धक्का दे देवे? अभी ये बात दोबारा नहीं करना, हम तुमको बता रहे, तुम हमको जानता नहीं है, शमशाद बलोच नाम है हमारा। हाँ पता है हमको, यही नाम सुन के बड़ा हुआ है हम। अरे अभी ले भी आओ नाश्ता, अभी जाए बाहर जाके नाश्ता करें हम। आराम से बात करो वरना देंगे एक थप्पड़, अगर इतना रुबाब दिखाना है ना तो शादी करो। अम्मा हम भी यही सोच रहे, हमने तो एक लड़की भी देख ली अम्मा, बस तुमको उससे बात करना। ये पूरा लियारी पता है तुमको क्या समझता है? आवारा बदमाश गुंडा पड्डेबाज, और ऐसा लड़का लोग को कोई अपना बच्ची नहीं देता है, ये हम तुमको बता रहे हैं। अरे अम्मा ऐसा तुम सोचते हैं? पूरा लियारी में लोग नादिर भाई को देख के जगह छोड़ देता है, और थाने में भी जाओ ना तो पुलिस वाला कड़ा हो जाता है। तो थाने में कौन सा शरीफ आदमी जाता है? और ये जो लोग तुमको देख कर जगह छोड़ देता है ना, वो इसलिए कि तुम्हारा मुंह नहीं लगना चाहता है। जाकर नौकरी धंधा करो, फिर हमको बताना कौन लड़की है, फिर हम सोचेंगा। अच्छा बताएगा तेरे को। लो करो नाश्ता। गैस कम आ रहा था इसीलिए थोड़ा देर हो गया। अच्छा ठीक है हमको जाना था। ये तुम टाइम देखकर कब से जाने लगा? कहर तो है, किसी लड़की मड़की का चक्कर तो नहीं है? अरे अम्मा तुम भी ना कभी कभी जासूसी वाला बातें करता है। अम्मा है हम तुम्हारा, अच्छा से समझता है तुमको। नादिर भाई हम घर में बैठा बैठा बोर हो जाता है, इसीलिए हम सोच रहा है कि कोई छोटा सा स्कूल बना ले, मोहल्ले का बच्चा लोग भी पढ़ लिख जाएगा। अरे तुम कोई 16 जमाते पास है जो स्कूल बनाएगा? हम 16 जमात पास नहीं है, लेकिन प्राइमरी तक तो बच्चा लोग को पढ़ा ही सकता है ना। जिनको जरूरत होगा ना वो चला जाएगा खुद ही, तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अभी तुमको क्या तकलीफ है, उसका ख्वाहिश है, अभी तुम घर में भी बदमाशी दिखाएंगा। अम्मा तुमको तो हर बात हम लोग का बदमाशी लगता है, हमको समझ नहीं आता। तो तुम जैसा हरकत करेगा वैसा ही लगेगा, बदमाशी दिखाता है तो बदमाश लगता है। अम्मा क्यों इतना गुस्सा करता है? देख उसने नाश्ता पे नहीं किया और ऐसे ही चला गया। न काम का है न काज का है, काम का घर में बैठ के रुबाब दिखाता रहता है, हमको जानता नहीं है ये। इसको छोड़ दिया तो ये तो बिल्कुल बेनता बैल हो जाएगा, तुमको इसको पता नहीं है? हाँ हमारा दिमाग में दम रखा हुआ इसने। न काम करेगा न काज करेगा, घर में बैठ के काम काम को रुबाब दिखाता है, हम इसका बाप का नौकर है, हमको जानता नहीं है ये। अरे दादा किधर है तुम, आजकल नजर नहीं आता है। अरे हम इधर ही है। अरे दादा लगता है तुम्हारा गली में किसी लड़की वड़की से सेटिंग हो गया है, इसलिए कल से तुम हमें मुंह नहीं लगा रहे। अरे नहीं शाबू, अरे तुम सब तो हम लोग का यार है। वैसे बना गया उस छोकरी का, नादिर भाई को पास देखकर झटका तो लगाएंगे उसको। अरे वो तो पहले हमको देख के सुन हो गया, और फिर उसके बाद हमको बोला कि हमारा गली में पानी वाला फिल्टर का प्लांट लगा दो। अरे दादा दादा ये गली में पानी के फिल्टर का क्या मसला है? अरे हमको क्या मालूम है। अरे वो नादिर भाई को देख के परेशान हो गया होगा कि फरमाइश क्या करे और बात क्या करे। ये कोई काम है? तुम पहले अकेला था, अभी लियारी के बच्चों को खराब करेगा, उनको मुक्काबाजी सिखाएगा, एक दूसरे का सर पाड़ेगा। कहाँ गया वो? वो उस फैसल बॉक्सर के घर गया, शकीला को लेकर। हाँ हमने अपनी आंखों से खुद देखा है। अभी तुम जगह देवेगा तो फिर ये पढ़ाना शुरू करेगा। अरे तो हम लोग जगह से कब इनकार कर रहा है, हम तुम लोग का साथ है। शकीला अपना प्राइवेट स्कूल खोलना चाहता है। अरे तो हमसे भी तो ये बात कर सकता था। क्यों
तो मास्टर लगा हुआ है क्या? हमने फैसला कर लिया है, कल से हम काम पे जाऊंगा, मगर हमारा एक शर्त है। कैसा शर्त? हमको फुटबॉल से कोई नहीं रोकेगा। जब तू काम करेगा तो तेरे खेलने पे हमको कैसा एतराज होगा? एतराज तो हमको तुम्हारे निकम्मा होने पे। बस फिर ठीक है, कल से हम शाहिद के साथ जाके मच्छी पकड़ूंगा। शाहिद के साथ? अपने अब्बा के साथ क्यों नहीं जाएंगा? अम्मा तुमको पैसे से मतलब है या क्या है? हम शाहिद के साथ जाऊं या अब्बा के साथ? देखो शाहिद हमारा दोस्त है, उसके साथ हंसी मजाक में काम हो जाएगा, अब्बा के साथ हम क्या करेगा सारा दिन? अच्छा अच्छा ठीक है, हमको मंजूर है, हमको क्या एतराज है, तो काम पे जाएगा। ये बात सुनकर तेरा अब्बा बहुत खुश होगा। बस फिर ठीक है, हमको सुबह सवेरे उठा देना, हम चला जाएगा उसके साथ। उठा देगा, नौकरी अब बस पक्का समझो, बस हम एक बार ये मुकाबला जीत जावे। चुप करे, हमने भी तुम्हारा मुंह से नौकरी का बात सुना है। अम्मा हमारा नौकरी लग रहा है क्लब में, इस मुक्काबाजी की वजह से। तुम कहता था इसमें कुछ नहीं रखा है, अब देखो इसकी वजह से कोई हमको नौकरी दे रहा है। हा? नौकरी क्या है, हमको भी तो पता लगे। वो बच्चा लोग को बॉक्सिंग सिखाने का क्लब में, और क्या? ये कोई काम है? तुम पहले अकेला था, अभी लियारी के बच्चों को खराब करेगा, उनको मुक्काबाजी सिखाएगा, एक दूसरे का सर पाड़ेगा। हमारे बलोच में तो ऐसा कुछ नहीं है, फिक्र नहीं करो, पर ये सोचो ये कमाने लगेगा, चार पैसा तुम लोग का हाथ पे रखेगा लाके। ऐसा नहीं चाहता है क्या तुम? हमको नौकरी वाला पैसा चाहिए, ये फसाद लड़ाई वाला पैसा नहीं चाहिए हमको। अरे ये भी एक काम है, इसमें भी मेहनत करना पड़ता है, जान कमाना पड़ता है, फिर बनता है। हमको समझ में नहीं आता है, तुम इसका दादा है, इसको समझाता नहीं है और सर पे चढ़ाता है। अरे हम इसको आसमान पे चढ़ाएंगा, लोग इसका कामयाबी सर उठा उठा के देखेंगे। तुम भी देखना एक दिन ऐसा आएगा कि इस पे फखर करेगा तुम। हम लोग का चाय दो हमको। क्या मुक्केबाजी होएगा, क्या फाइटिंग होएगा। इतना देर लगाया सब्जी लाने में, आ इधर करीब में दुकान है, हम सब्जी ले आऊं, सब्जी बनाएगा। अम्मा हाँ, हमको लगता है कि चाचा जब्बार हमको अपना जगह देंगा स्कूल बनाने के लिए। सुना है वो इलाका के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, उसने अपने पोते को भी खूब पढ़ाया लिखाया है, और अम्मा हमने सुना है कि खुद भी स्कूल में हेडमास्टर रहा है। तो चलकर बात कर लेगा, वैसे भी उसका जमीन खाली पड़ा हुआ है। अम्मा अभी चल के बात कर लेता है ना। देखो अम्मा, हम चाहता हूँ कि हमारे इलाके से सब बच्चा लोग स्कूल जाए, कॉलेज जाए, बड़ा बड़ा आदमी बने। हम चाहता हूँ कि हमारे इलाके से बड़ा बड़ा अफसर निकले। अम्मा मचेरे तो नस्लों से पैदा होता आ रहा है, मर रहा है, कोई फर्क मर्क नहीं पड़ता किसी को। तू समझ रहा है ना अम्मा हम क्या चाहता हूँ? अरे हाँ समझता हूँ, जब तो तुम्हारा साथ खड़ा हूँ। अभी टाइम ज़ाया नहीं करने का, चलो चादर पहनो, हमारा साथ चलो, बात करके आता है। सही है। हाँ आए, हमारा तो पैरों में दर्द हो गया है।
वो तुम्हारा दादा को मिलना है, घर पर है वो। दादा घर पर ही आ जाओ। आ तो चलो। यार एक तो ये चन्नी और शाबू किधर मर गए? भाई तुम फिकर क्यों करता है, आने वाला होगा। अरे ठीक से तो बात हो। और नादिर भाई अरे तू किधर रह गया था यार? अरे तुमने कहा था ना वो अम्मा और बहन की खबर रखना है। हाँ कहाँ गया वो? वो उस फैसल बॉक्सर के घर गया। शकीला को लेकर? हाँ हमने अपनी आंखों से खुद देखा है। ये अम्मा ना अपना बेटी को हमारा हाथों से मरवाएगा। हम लोग को दूसरे स्कूल में तबादले और बड़ी नौकरियों के बड़े मौके मिले, हमने खुद इनकार किया कि हम नहीं जाएंगा, हम इधर ही रहेंगे। इधर अपने इलाके के लिए कुछ करना चाहता है तो हमको खुद इधर रहना पड़ेगा। अब दूसरा आदमी इधर आएगा तो हम लोग के बच्चों के साथ मेहनत क्यों करेगा? ऐसा ही बात तो हमारा बेटी सोचता है। अभी तुम जगह देवेगा तो फिर ये पढ़ाना शुरू करेगा। अरे तो हम लोग जगह से कब इनकार कर रहा है? हम तुम लोग का साथ है। हमको मालूम है इधर स्कूल में बच्चों का तादाद ज्यादा है और स्कूल का तादाद कम है। अरे हम तो रिटायर होने के बाद खुद बोर हो रहा है इधर। और आप हमारे साथ होएंगा ना तो हमारा हौसला भी बढ़ जाएगा। हम साथ है तुम लोग के, हम उधर सफाई मफाई कराएंगे, हम लोग के पास ब्लैक बोर्ड और कुछ सामान पढ़ाएं, हम उधर सेट करा देंगे उधर। हाँ फिक्र नहीं करो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा अभी हम चलता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया जब्बार भाई, आप बहुत अच्छा है, हाँ नेक इंसान है। अरे अभी चलता हूँ। चल बस ठीक है। अच्छा बेटा क्या काम था अम्मा तेरे को? काम क्या होना, स्कूल का बात करने के लिए आया था। शकीला अपना प्राइवेट स्कूल खोलना चाहता है। अरे तो हमसे भी तो ये बात कर सकता था। क्यों तुम मास्टर लगे हुए क्या? अरे अम्मा तुम नादिर भाई को कुछ समझते ही नहीं है। असल बात तो ये, तुम हमको जानते ही नहीं है। पूरा गली में नादिर भाई की मर्जी से काम होते हैं। तो पूरा गली तुम्हारा अम्मा भी नहीं है, तुम्हारा अम्मा सिरा पाम में और हमको कोई जरूरत नहीं है तुमसे किसी बात का इजाजत लेने का। अभी इधर गली में कड़ाओ के शोर नहीं करो, तब पड़ देंगे, रास्ता छोड़ो। अरे आटो हमारे साथ चला जाए, ऐसा ना मुकर जावे अपनी बात से। जाएगा लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। एक जायदाद था वो भी बदमाश की माँ को दे दिया। अरे अम्मा सुन तो ले, स्कूल के लिए दिया है। ऐसा कैसे चला जाए, तुम अपना मर्जी से जाएगा, तुम्हारा शादी भी तुम्हारा मर्जी से होएगा। सेमू पानी ला के दो हमको।
आज तो मचेरा लोग जाल मार मार के सारा थक गया। छोटा मछली का दाम ठीक नहीं मिलता है, बड़ा मछली पता नहीं आज किधर मर गया था। अरे कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, अल्लाह की मर्जी, परेशान ना हो। हमारे दिलावर को अकल आ गया है, कह रहा था कि हम कल समंदर पे जाएगा। अरे ये क्या बोल रहा शम्मो तुम, वो तो फुटबॉल का जुनून ही नहीं है, वो तो किसी का बात भी नहीं सुनता था। हम बोलता था ना कि हमारा दिलावर बहुत समझदार है, उसको फुटबॉल का तो शौक है लेकिन हमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारा भी बहुत ख्याल रखता है। अरे ये तो बड़ा अच्छा खबर सुनाया तुमने, सुबह हमारे साथ चला जाए, ऐसा ना मुकर जाओ अपनी बात से। जाएगा लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। हमारे साथ क्यों नहीं जाएगा? वो बोलता है कि हम जाएगा लेकिन अपने दोस्तों के साथ, वहाँ पे जाके गपशप मारेगा, फुटबॉल की बातें करेगा, उसके साथ साथ मछली भी पकड़ेगा। अब तेरे को क्या एतराज है? अरे एतराज नहीं है चम्मो, फायदा है हमारा, उसका दोस्त नहीं है शायद, बड़ा अच्छा दाम में मछली बेचता है, बड़े ठेकेदार लोग से उसका लेन देन है, पढ़ा लिखा है ना इसलिए। बस अब तू उससे प्यार से बात करना, अब फुटबॉल की बात बात ना करना उससे, फुटबॉल खेलता है तो खेले, हमको कमा के तो देगा ना। सही बोल रहे तुम है? समो को चाय माय तो पिलाओ ना। आता है हम लोग सोचता था कि ये लियारी को बदलने में टाइम लगेगा, लेकिन हम आज बहुत खुश हुआ उस लड़की का इरादा देख के। अरे दादा सच पूछो तो हमको झटका लगा है कि वो नादिर का बहन है। हाँ बहुत अच्छा लड़की है, हम उसका साथ देंगा। हाँ साथ तो देना चाहिए, ये गली में आधा नंगा बच्चा लोग घूमते, अगर स्कूल करीब होएगा तो ये सब स्कूल जाएंगा ना, वहाँ पे पढ़ेंगा, गली में शोर भी नहीं करेंगा। अरे कैसे नहीं जाएंगा, हम जाएंगा उनका घर पे, उनका माँ बाप से हम बात करेंगा, सब जाएंगा, हम उस लड़की के साथ पढ़ाएंगा। अरे नमाज का वक्त हो गया है शायद, नमाज पढ़ के आता है, तुम भी पढ़ लिया करो। अरे आप चलो हम बस आ रहे हैं पीछे ही। आ गया तुम, हम आता है। इसलिए तुमको बोलता है तुम भी कुछ करो, अपना दादा के आश्रय में रहेगा तो कुछ नहीं बनेगा। एक जायदाद था वो भी बदमाश की माँ को दे दिया। अरे अम्मा सुन तो ले, स्कूल के लिए दिया है। तुम हमारा बच्चा है, हमको नहीं पढ़ाओ, हमको सब पता है, स्कूल के लिए दिया है, किराए के लिए नहीं दिया है, किराए पे देता तो हमको भी कोई फायदा होता, अब स्कूल दे दिया तो तुम तो गया हाथ से, जब तक वो जिंदा है तो स्कूल है, अगर वो मर गया तो लिख के दे देगा, ये हम तुमको बताता है। अरे अम्मा तुम इतना आगे का सोच लेती है, अरे लिख भी दिया तो क्या है? अभी तो तुम सिर्फ मुक्काबाजी करता है, जब घरदारी करेगा तब तुमको पता चलेगा कि पैसा क्या चीज होता है। अरे अम्मा तुम परेशान क्यों हो रहे हैं, हम तुमको बहुत सारा पैसा कमा के देगा। हमको तो समझ नहीं आता है, जैसा तुम्हारा दादा है वैसे ही तुम है, देगा ढेर सारा पैसा, पता नहीं कहाँ से देगा। हाँ नहीं तो और चला जा नमाज पढ़ने, यहाँ बैठा नहीं रहो। अम्मा बस जा रहे। आप ये फिर डंडी मार कर आया है, फिर पैसा काम लेकर आया, अपना किसी के अंदर डाला होगा इसने, ये हमेशा हमारे साथ ऐसा बेईमानी करता है। आओ हम बताता है तुमको। अम्मा चाय। हाँ इतना काला चाय, थोड़ा दूध तो डालता, चलो अभी कह रहे पिएगा। अम्मा तुमको चाय का पड़ा है,
हमको बहुत डर लग रहा है अम्मा। हमको नहीं लगता कि नादर भाई हमको ये सब करने देगा। वो तो हमारा पढ़ने लिखने के हक में भी नहीं था। वो तो बस चाहता है कि जल्दी से हमारा शादी हो जाए और हम इस घर से चला जाए। ऐसा कैसे चला जाए? तुम अपना मर्जी से जाएगा, तुम्हारा शादी भी तुम्हारा मर्जी से होएगा। ऐसा कोई नहीं कह सकता तुमको। आ ये तुम्हारा बाप का घर है, नादिर का कमाई से घर नहीं बनाई है। नाम नादिर का कमाई का आता है। तुम्हारा बाप का चौड़ावा हमारे लिए बहुत है। लेकिन अम्मा तुमने देखा नहीं कैसा जोर जोर से बोल रहा था गली में नादिर भाई? छोड़ो उसको तुम, उसका तो आदत है गली में खड़ा होकर चिचोरपना और शोकी दिखाने का। हमको तो इस बात का खुशी है कि जब बार भाई ने हमारा बात मान लिया। अम्मा वो तो बहुत खुश हो रहा था, अच्छा इंसान है, लियारी के लिए कुछ करना चाहता है। हाँ उसने लियारी का लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। ये जो इलाका में लड़का पढ़ा लिख गया है ना, वो सब जब्बार भाई का वजह से। हाँ अम्मा, अम्मा ये उसका पोता था ना फैसल? हाँ पूरा 14 जमात पास है, इसका दोस्त लोग भी बहुत पढ़ा लिखा है। हाँ अम्मा लग रहा था पढ़ा लिखा, हमने तो जब छोटा था ना तब देखा था, अभी तो बहुत मुश्किल से पहचाना हमने। अभी तुम छोड़ो, नादिर के बारे में ज्यादा नहीं सोचो, हम देखेगा उसको समझाएगा। लेकिन अम्मा अभी बोल दिया तुमको, बस करो। ठीक है अम्मा, हम खाना बना के आता हूँ। आ जाओ बनाओ। राजा और याद रख, इस बार जो मुकाबला है ना बहुत ही सख्त है। सारे क्लब अपने बेस्ट फाइटर भेजने वाले। तेरे को भी बहुत सख्त मेहनत करनी होगी। अरे कोई तुम फिक्र नहीं करो, हम अपना पूरा कोशिश करूंगा। और आजकल हम तो रात को नींद में भी क्लब में ही होता है। अरे मेरे को पूरा यकीन है तू टूर्नामेंट जीतेगा, लेकिन देख यकीन के लिए भी मेहनत की जरूरत है। कोच आप भरोसा रखो। ये बता दादा कैसा है, मैच देखने आएगा ना? दादा को थोड़ा बुखार मुकार हो गया है तो घर पे आराम कर रहे हैं, देखो क्या पता आ जाए। लेकिन दोस्त लोग तो आएंगे ना, तेरे लिए शोर मांगता है मेरे को। हाँ दोस्त लोग आएगा। हाँ तेरे लिए हंगामा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, समझ आई ना बात? जीतेगा आज, हम जीतेगा। हमको लगता है नादिर भाई बीच में टांग अड़ाएगा। अरे भले वो टांग अड़ाए, हमने उसका बहन को कौन सा मजबूर किया है। उसको दूसरा कमरा में भेजो अम्मा। ये दूसरा कमरा में नहीं जाएगी, जो बात करना है इसका सामने करो। तुमको अच्छा नहीं लगेगा अम्मा। अरे हम तुमको बता नहीं सकता है, वो हमको घूर रहा था, हमने उसका मुंह पे गेट बंद किया। अरे आना, वो हमको भी तो घूरता रहता है, पता नहीं क्या मसला है उसके साथ। अरे मसला नहीं है, एतराज है हमारा पढ़ा लिखा होने पे। वो कहता है कि हम लोग पढ़ लिख गया इसलिए सारा दिन पढ़ा रहता है, अगर पढ़ लिख नहीं जाता तो मच्छियां तो पकड़ता कम अज कम। अरे ये पूरा लियारी के लोगों को इसी बात से मसला है कि हम लोग पढ़ा लिखा है क्या? यहाँ पर तो सिर्फ मछली पकड़ने एक ही काम है सबको, वही आता है, समझता है वही अच्छा है, उससे ही पैसा बन सकता है बस। अरे सोच भी बदल जाएगा सबका, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, देखो अब सब बदल रहा है ना, वक्त तो लगेगा ना, हम सब कितना मेहनत कर रहे हैं। हाँ अरे वैसे तुम्हारा NGO का क्या बना? अरे कोशिश कर रहा हूँ मैं, अभी थोड़ा पैसा जमा किया है, NGO का नाम रजिस्टर करवाएगा, पर अभी टाइम भी तो मिलना चाहिए ना। इंशाल्लाह। दिलावर तुम कल जा रहे हैं ना? हम जाएगा ना इसके साथ, देखो भाई हम फुटबॉलर है और फुटबॉलर होने के नाते मच्छी पकड़ने के हम ज्यादा पैसे लेगा। हाँ तो मच्छी पकड़ेगा फिर मच्छी तुमको ज्यादा पैसे देगा।
अच्छा हाँ, तूने बताया नहीं दादा ने बोला क्या तेरे को? अरे दादा क्या बोलेगा, वो ऐसे कामों में पहले ही आगे रहता है, उसने हाँ बोल दिया। अरे वाह, ये तो और अच्छा हो जाएगा। हमको लगता है नादिर भाई बीच में टांग अड़ाएगा। अरे भले वो टांग अड़ाए, हमने उसका बहन को कौन सा मजबूर किया है। अरे वो खुद आया था हमारे पास और हम सब उसका मदद कर रहे हैं, और क्या। नादिर गलत आदमी है, अगर वो टांग अड़ाएगा तो वो उसका मसला है। अरे हमको तो इस बात का खुशी है कि उसका घर वाला हमारी तरह अच्छा है, इलाके के लिए कुछ सोचता है, वरना ऐसे लोगों का तो अक्सर घर वाला उसका हिमायती होता है। अरे तुम सब लोगों ने भी हमारा हिमायती बनना है, हमारा बॉक्सिंग का मैच है बाहर का क्लब के लड़कों से, बहुत अच्छा फाइटर है वो लोग, अच्छा फाइटर है वो, तुम सबने आना है वो मैच देखने। हाँ अरे आना, उस दिन छुट्टी करना पड़ेगा ना दिलावर। अरे शाम में मैच है। हाँ फिर भी हम आएगा यार, तुम फिकर ना करो जानी, हम सब साथ जाएंगे। चाय मैं मंगवाऊँ ना? हाँ हाँ चुटू तीन कट। अच्छा डिजाइन है लेकिन पिछला वाला ज्यादा अच्छा था। अम्मा हमको ईद पे ऐसा ड्रेस बनाना है, हम बना लें? हाँ बनाओ बनाओ भले से। अम्मा एक हमने तुम्हारे लिए भी देखा है, ये वाला देखो ये कैसा है। अभी हम पे क्या अच्छा लगेगा? ये बहुत अच्छा लगेगा अम्मा। नहीं नहीं अभी हम बुढ़ा हो गए। नहीं अम्मा ईद पे तुम ये बनाएगा। अच्छा फिर हमको रंग ये नहीं चाहिए। अच्छा तो कौन सा रंग चाहिए? सुपियाना रंग चाहिए। हमको तुमसे बात करना है। हाँ तो आराम से बैठो फिर बात करो। आप बोलो क्या बोलना। इसको दूसरा कमरा में भेजो अम्मा। ये दूसरा कमरा में नहीं जाएगी, जो बात करना है इसका सामने करो। तुमको अच्छा नहीं लगेगा अम्मा? तो ये दूसरा कमरा में जाएगा तो भी हमको अच्छा नहीं लगेगा। अम्मा इसका ये स्कूल खत्म कराओ, इसने पढ़ लिया ना बस बहुत हो गया। इसको बोलो जब तक इसका शादी नहीं हो जाता ये घर पे रहेगा। अब देखो नादर, हमारा बेटी पढ़ा लिखा है, इलाके का बेहतरी चाहता है। अभी तुम सोचो इलाका में पढ़ा लिखा लोग होएगा, अफिसर बनेगा, तो इलाका कितना अच्छा हो जाएगा। अरे अम्मा हमको सब ये मत बताओ, अम्मा हमको नहीं पसंद ये स्कूल, वो मुक्का बहादुर उसका घर आना जाना। अरे तो मैं एक दफा गया था, अभी क्यों जाएगा? अब तो सब कुछ स्कूल में ही होएंगे ना, उसका दादा भी और उसका पोता भी। देखो नादिर हमारा बात सुनो, हम तुमसे प्यार से बात करते है, इस मामला में शकीला से दूर रहो। अम्मा हम नादिर हूँ, नादिर भाई, और हम ही बगैरत हो जावे ये नहीं होएगा अम्मा। अम्मा हम तुमको पहले ही बोल रहे हैं, अगर कल इसने घर से कदम निकाला तो तुम हमको जानता नहीं हो। क्या नहीं जानता? क्या करेंगे तुम बोलो, क्या करेंगे? हम पेट्रोल चढ़ के इसको आग लगा देगा, आग समझा? अगर यकीन नहीं आया ना अम्मा तो इसको स्कूल भेज के देखना का, हम बाहर ही होएगा फिर बताएगा हम क्या करेगा। अरे यार हमको ये सब नहीं आता है, मगर इसी के बीच में आग खोला है, तुम थोड़ा सा सिखाएगा हम जल्दी बहुत सारा सीख जाएगा। अरे तुम हमको नादिर भाई समझ के डर रहा है, क्या हो गया तुमको? हम नहीं डर रहा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अगर कोई और देखेगा तो क्या समझेगा? अरे हम लोग तो तुमसे पहले खड़ा है इलाके के लिए, तुम लोग का साथ देने के लिए। चाचा आप जैसा इंसान एक दो और होता ना तो हमारा लियारी का भी बहुत नाम होता। आपका क्लब से क्यों, मुल्क का नाम रोशन तो किसी भी क्लब के खेलने से हो सकता है। शायद तुमने मेरे जुमले पर गौर नहीं किया, मैंने कहा कि मुल्क के साथ साथ मेरे क्लब का नाम रोशन होगा।
अरे अगर पैसा सिर्फ इंसान खाने पीने और पहनने के लिए रखे तब तक तो ठीक है, लेकिन इधर तो लोगों को हवस है हवस। यहाँ पर हमारे इलाके का लोग तो रोजी रोटी के लिए कमाता है। हमको जरा अपना एग्जाम पास करने दो, उसके बाद हम लियारी के लोगों के लिए यहीं क्लिनिक खोलेगा, सबको यकीन आ जाएगा। हमको लगता है कि लियारी का सहन लोग अब एक काब देख रहा है।